प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे महाप्रबंधक द्वारा परामर्शदात्री समिति की एक वृहद उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में JRUCC के सदस्य और मथुरा के भाजपा जिला मंत्री कुंज बिहारी चतुर्वेदी ने उपस्थित रहकर ब्रज के सर्वांगीण विकास और रेलवे सुविधा में विस्तार के लिए विभिन्न प्रस्ताव रखे, जिन पर उचित कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। जिसमें JRUCC सदस्य और भाजपा जिला मंत्री कुंज बिहारी चतुर्वेदी ने बताया कि मुख्य रूप से रखे गए प्रस्ताव में विगत कई वर्षों से मथुरा में बंद वृंदावन रेल बस सेवा को पुनः चालू किया जाएगा। 18 नवंबर से ये रेल बस दोबारा से चलेगी। साथ ही मथुरा से द्वारका को जोड़ते हुए एक स्पेशल ट्रेन शुरू कराए जाने की मांग की, जिस पर गंभीरता से विचार किया गया। साथ ही स्थानीय विषयों में भी अवगत कराया गया, जिसमें मथुरा जंक्शन के संपर्क मार्गों का दुरुस्तीकरण और समुचित मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था और प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 पर स्वचालित सीढ़ियां लगाए जाने के लिए कहा। पतिया गांव में अंडरपास का निर्माण और महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का मथुरा रेलवे जंक्शन पर और दीनदयाल धाम स्टेशन पर ठहराव जैसे आदि विषयों पर विचार विमर्श हुआ, जिस पर रेलवे महाप्रबंधक श्री प्रमोद कुमार ने शीघ्र कार्रवाई हेतु आश्वस्त करते हुए कहा कि इन विषयों को दृष्टिगत करते हुए जल्द ही सुधार किया जाएगा। इस बैठक में महाप्रबंधक मन्नू प्रकाश दुबे, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक MN ओझा, JRUCC के वरिष्ठ सदस्य श्री कृष्ण गौतम आदि उपस्थित रहे। प्रमुख मार्ग है गेट नंबर 1 का, गेट नंबर 2 का, जो स्टेट बैंक चौराहे से मथुरा जंक्शन के गेट नंबर 1 पे आता है और बस स्टैंड से लेके गेट नंबर 2 पर आता है। ये रेलवे की भूमि के अंतर्गत आता है। ये मार्ग काफी क्षतिग्रस्त और वहाँ प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। हमने अपने लोकल स्तर पर काफी माध्यम से प्रयास किया, लेकिन उन लोगों का कहना ये रहता है कि ये रेलवे की भूमि है, रेलवे इसको डेवलप करेगी। तो मेरा निवेदन है, वहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, तो वहाँ प्रकाश की व्यवस्था और सड़क की व्यवस्था सड़क बने, मेरा आपसे आग्रह है। फर्स्ट पे तो अभी काम चल रहा है, जहाँ अंडरपास बन रहा है तो उसको दूसरी जगह फॉरवर्ड किया गया है, ये डाइवर्ट किया गया है, तो वहाँ रास्ते में कहीं लाइट नहीं है। और दूसरा जो गेट नंबर अपना सेकंड है बस स्टैंड की तरफ से माल गोदाम वाला जिसको बोलते हैं हम, वहाँ बिल्कुल प्रकाश की व्यवस्था और सड़क की व्यवस्था बेकार है। एक विषय, मथुरा जनपद में ग्राम पंचायत फतेह जो आती है वहाँ बाउंड्री वॉल का कार्य किया जा रहा है, जो होना भी चाहिए। उसके अंतर्गत एक छोटी सी समस्या, वहाँ के जो स्थानीय किसान हैं उनको काफी परेशानी आ रही है। वहाँ रेलवे जो लाइन है वो काफी तिरछी है, तो उसकी वजह से उनके खेत उस तरफ हैं और वो रहते इस तरफ हैं। तो ऐसे कई किसान हैं जिनको आने जाने में वहाँ उसकी बाउंड्री वॉल की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरा आपसे सादर आग्रह है कि उसके लिए अंडरपास का प्रस्ताव आप बनाकर उसको अंडरपास बनवाने का कष्ट करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली मथुरा में जो दीनदयाल धाम फरे स्टेशन है, वहां विगत वर्षों से इंटरसिटी आगरा दिल्ली EMU पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव रहता है। मेरा आपसे आग्रह है, ये वहां के क्षेत्रवासियों की मांग है, उनका भी लेटर वो उसमें कवर करके मैंने लगा रखा है, कवरिंग लेटर लगा हुआ है वहां का। और वहाँ महाकौशल एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस, कोटा पटना एक्सप्रेस जो वहाँ से होते हुए जाती हैं, तो वहाँ अगर इनमें से किसी का ठहराव हो जाए तो काफी वहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी। इसी के साथ मैं आप सबसे को प्रणाम करता हूँ, सादर नमस्कार।